वेलकम बैक टू माई चैनल आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और ईजी है क्योंकि रोटी हर किसी को बनानी आती है बट माई रोटी इज़ विद द ट्वेस्ट इस रेसिपी में हम दही को पानी से रिप्लेस करेंगे दही से ही आटा को गूंधेंगे इस रेसिपी के बेनिफिट्स उन लोगों को बहुत ज्यादा हो सकते हैं जिनको रोटी खाने से या तो ब्लोटिंग होती है या फिर इनडाइजेशन फील होती है एंड ऑनिस्टली रोटी इतनी सॉफ्ट होगी इट विल जस्ट मेल्ट इन योर माउथ इसमें मैंने टू एंड हाफ कप वाइट फ्लावर यूज किया है एक कप से ज्यादा दही है एक चाय का चम्मच नमक और सिक्सटी एम ऑयल यूज कर सकते हैं आप या आप कोई भी बटर या घी जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं दो खाने के चम्मच इसमें पानी यूज हुआ है इससे ज्यादा नहीं हुआ और बाकी का जो पानी थोड़ा सा यूज होगा इसको गूंढने के लिए ऑल डो को देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको बहुत ज्यादा नीडिंग नहीं की बहुत देर तक क्योंकि इसमें जो योगर्ट है वो ग्लूटन को खुद ही ब्रेक डाउन करेगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बस कवर करके एक घंटे के लिए रख दें भूल जाएं इसको एक घंटे के लिए अब बस डो के बॉल्स बनाए और अपनी रोटियां बनाना स्टार्ट करें ये रोटी आपके घर में सबकी फेवरेट होने वाली है चाहे वो आपके बच्चे हों आप लोग खुद हो आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो एवरीबॉडी विल जस्ट लव इट। आज मैं इन पराठों को बनाने के लिए अनसॉल्टेड बटर का यूज़ कर रही हूँ आप घी भी यूज़ कर सकते हैं ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बेलूँगी और बस बटर लगा के और तैयार करके खाने के साथ सर्व करूँगी तवे पर डालने के बाद जब रोटी हल्की सी सिकेगी तो आप उसकी साइड चेंज कर देना और उसके ऊपर हल्का सा बटर लगा के फिर दूसरे साइड चेंज करके उस पर बटर लगा के और इसी तरह साइड चेंज कर कर करके पकाएंगे मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उनको लाइक करें अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई इट फॉर यू बस मेरी मेरा पराठा बनकर तैयार हो गया मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है एकदम जस्ट अमेजिंग अब जल्दी से जाइए और ट्राई कीजिए एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो देन टेक केयर